हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग शूट करूँ, मतलब अपने ससुराल में मेरा डेली रूटीन क्या है। तो अभी हो गए मॉर्निंग के 7:55। तो अभी मैंने बाथ वगैरह लेके क्लीनिंग वगैरह कर ली है और अभी करूँगी पूजा। तशरी का बेबी भी अभी जस्ट नाउ उठ गई है, मतलब वो मैं बात करने गई थी तो उसको सुला के गई थी वीडियो कॉल उसके पापा को लगा के। वहाँ के वो ज़्यादा मतलब आवाज़ नहीं करती और बेड से गिरने का डर रहता है, तो वो क्लिप भी मैं ऐड करूँगी। मैंने दूसरे फ़ोन में उसका वीडियो बनाया है, तो अभी देखते हैं क्या करूँगी। अभी पूजा करूँगी और आज मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊँगी डोसा, तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मैंने मोस्टली इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी करके रखे हैं, देन देखते हैं कैसे बनता है मेरा डोसा। और 8:30 तक तश्विका का मतलब फर्स्ट मील का होता है टाइम, तो इसको अभी मैंने एप्पल प्यूरी बना दी, अभी खिलाऊंगी इसको एप्पल प्यूरी। तो अभी तश्विका को खिला के पूजा कर दी है, अभी बना दिए डोसे वाले मतलब मसाला जो आलू, अभी बनाऊंगी डोसा मतलब चटनी। और साथ में तश्विका का अनार का जूस, कुछ खाती नहीं है वैसे प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा मसाला। फर्स्ट डोसे का तो हो गया कबाड़। मेरे जो मैंने डोसा बनाया ना उसकी तो हो गई मतलब सत्यानाश हो गया, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तो उसके बाद हमने डोसा खाया, वो पापा जी ने बनाया, मतलब वो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैं तश्विका को नहलाया और जस्ट तश्विका को सुलाया है अभी। सी हाउ तश्विका स्लीप, सी माय क्यूटी पाई। इसको नहलाया, इसको सुलाया, मतलब इसमें ही 45 to 1 hours हो जाते हैं। मसाज, देन बाथ, अगेन मसाज, फिर कपड़े वगैरह डलवा के सुलाना, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी मोस्टली टाइम हो गया 12 o'clock और अभी थोड़ा सा किचन में काम बाकी है, तो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। देन उसके बाद भी देखते हैं क्या क्या होता है ब्लॉग में। अगेन काम करते करते मुझे भाग के आने पड़ा क्योंकि तश्रीका जो है वो उठ गई थी और धीरे धीरे रो रही थी, मतलब ऐसे ही मुझे लगा कि उठ गई होगी और सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा आंखों में आंसू आंसू आ गए थे, धीरे धीरे रो रही थी। अगेन उसको सुलाया है और अभी मैं सिल रही हूँ सूट, स्टिच कर रही हूँ अपनी सासू माँ का। तो टाइम हो गया है 1 o'clock, अभी उसके बाद जाऊँगी लंच बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और फैन भी नहीं चला रही होंगी, तश्विका धीरे से रो रही है तो फिर आवाज़ नहीं सुनाई देगी, दूसरे रूम में बैठी हूँ। और अभी मेरा लंच रेडी हो गया है। फैन कहाँ है? फैन कहाँ है? फैन कहाँ पर है? फैन क्लैपिंग अच्छे से करो ना, क्लैपिंग करो। क्लैपिंग थ्री थर्टी हो गए और हमने खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह धो, मैं तो हो गई फ्री, बट मेरी जो ये बेटी है ना बहुत शैतान है, ये बिल्कुल खाना नहीं खा रही। आज इसने सिर्फ थोड़ा सा डोसा खाया है और अनार का जूस भी बिल्कुल थोड़ा सा पिया है, बस पानी पानी की तरह। तश्विका बता दो सबको, मनुए पानी पीना है। बहुत ज्यादा शैतान हो गई, बहुत ज्यादा शैतान हो गई अभी। कैसे मतलब इसको बस खड़े होना है, खड़े होना है, खड़े होना। तो अभी है तश्विका के साथ, करूंगी थोड़ा सा टाइम स्पेंड तश्विका। अच्छा सबको राम राम कर दो, राम राम जी कर दो, ऐसे सब कुछ करेगी, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होगा ना तो उसकी बस ऐसे इसको बस खड़े होना है। अच्छा इसी को खड़े हो जाए, कैसे डरेगी।
ओ दम 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 अच्छा सिट सिट कर सिट आज बुद्धि बुद्धि ऐसे सबको बोल दो राम राम कर दो राम राम जी क्लैपिंग ही कर दो मुन्ने प्लीज क्लैपिंग क्लैपिंग वो कर दो कुतुते आया मेरा रूने जुनून अब इसको बस खड़े ही होना है खड़े ही होना कुतुते अभी दशिका के साथ वाला टाइम है तो अभी सबको बाय बाय बोलती हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ खेल रहा हूँ और हम सो गए थे और अभी हम 5 o'clock हो गए सो के उठ गए हैं। अश्विका बेबी उठ गई है। अश्विका बाबा को सुला सुलाते मम्मा भी सो गई थी। 5:30 हो गई और वैसे चाय का टाइम हो गया है लेकिन हम खाएंगे वाटरमेलन। काफ़ी धूप है मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। 38 degree टेम्परेचर और बाहर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे थोड़ा सा से। कितनी धूप है लेकिन साइड कॉर्नर में है एक जगह हम वहाँ पे बैठे हैं सारे। और अभी टाइम कितना हो गया मनु? 7:30 हो गए हैं और मेरी प्यारी बेटी ने आज मतलब बिल्कुल कम कम सा खाना खाया हुआ है। अभी थोड़ा सा ऑरेंज खाया और बस खा ही नहीं रही आज वही टेंशन पड़ी हुई है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी और वो भी होममेड बैंगन। मम्मी जी लेके आए हैं तोड़ के और आए थे। पापा जी बना रहे हैं बैंगन की सब्जी क्योंकि हमको अपने हाथ से अच्छी लगती है। और मैं और तश्विका जा रहे हैं ऐसे मतलब थोड़ा सा तश्विका को घुमाने के लिए। सो देखते रहिए ये पीछे हमारा घर है और ये लगी है मैंगोज और ग्रेप्स भी लगे हैं हमारे घर में। हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे अपने घर के फ्रूट्स। जय जय।